स्वर संवाद क्या होता है? रागों में स्वर संवाद एक नाम की चीज़ होती है जिससे ही मेलेडी आती है, जिससे राग का चलन बनता है। तो वो क्या चीज़ होती है और उसको कैसे लाया जाता है, आज हम उस पर जानेंगे। और स्वर संवाद को मैंने थोड़ा सा एक मेटाफरिक वे में, यानी उसका एक कंपैरिजन ह्यूमन नेचर से किया है, तो वो आपको एक बड़ा अच्छा एक एनालॉजी लगेगी जिससे कि आप जो है अच्छे से उसे समझ पाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए स्वर संवाद का इंसान से क्या लेना देना होता है। मेरा यार तू, मेरा प्यार तू, हरिजा मेरी सिस्टर, उनका गाया हुआ ये गाना अभी अभी आपने जो टीज़र देखा, मास्टर निषाद प्रोडक्शंस पर म्यूज़िक वीडियो है, हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी, आप ज़रूर देखिएगा। SPW स्टूडियोज़ का ओन प्रोडक्शन है, हमारा खुद का प्रोडक्शन है। तो आइए अब बात करते हैं स्वर संवाद पर। सबसे पहले संवाद इस शब्द पर जाते हैं। संवाद मतलब होता है बातचीत, कॉन्वर्जेशन। जैसे कि दो लोगों की बातचीत को आप समझ लीजिए, उसी को कंपेयर कीजिएगा दो स्वरों की बातचीत से। जैसे कि दो स्वर इंडिविजुअल अपने आप में एक क्वालिटी रखते हैं, एक विचार रखते हैं, उसी तरह से दो लोग भी इंडिविजुअली आपस में एक क्वालिटी रखते हैं, एक विचार रखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है, है ना, ये दो एग्जांपल्स ले लीजिए। और यहाँ दो सुर हैं, एक सा है और एक रे है, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल्स आपने ले लिए। अब इन दोनों स्वरों को लगाते समय हर राग में आपको अलग अलग ढंग से जाना पड़ता है। कभी वो ऋषभ जो है वो गंधार के स्पर्श से लगेगा, कभी वो ऋषभ जो है मध्यम के स्पर्श से लगेगा, है ना। और यही चीज़ अब जब हम राग के विस्तार में करते हैं तो राग का विस्तार किस तरह से होता है, विस्तार पर पहले भी मैंने एक वीडियो दिया है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि विस्तार को कैसे करते हैं, यानी बड़े विस्तार से समझाया है कि विस्तार कैसे होता है, राग में कैसे होता है, और भले ही तबला वादन हो उसमें कैसे होगा, या हारमोनियम वादन है उसमें कैसे होगा, विस्तार के कई नियम होते हैं, जो बढ़त जिसे हम कहते हैं उसके क्या मान हैं, उसके क्या नियम हैं, वो सब मैंने उसमें समझाए हैं, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अभी इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि विस्तार में, राग के विस्तार में स्वर संवाद का क्या लेना देना होता है। जब भी राग गायकी होती है तो स्वर एक एक करके खुलता है। अगर आप बड़े ही बड़ा ख्याल या छोटा ख्याल की डिटेल्ड आलापचारी कर रहे हैं तब, और राग गायकी अगर सीख रहे हैं तब, परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस में तो भाई कलाकार के ऊपर है कि कितने मिनट की गायकी, अगर 15 मिनट की गायकी है तो वो भाई मुश्किल से 2 मिनट का आलाप करेगा, आधे घंटे की अगर उसकी पूरी परफॉर्मेंस है, पूरी उसको गाना है, तो भाई हो सकता है वो 3 से 4 मिनट का आलाप करे, है ना, उसके बाद बंदिश शुरू करे, है ना। तो वो तो निर्भर अलग करता है, लेकिन मैं प्रॉपर अभी सिर्फ राग के चलन की बात कर रहा हूँ कि जब आप उसको समझना होता है या सीखना होता है तब किस तरह से विस्तार होता है। एक एक सुर खुलता है, जैसे रे रे ना, रे ना, रे ना। इस तरह से आपने देखा कि पहले मैंने एक सुर निषाद नीचे खोला, फिर एक सुर ऊपर ऋषभ खोला, फिर आगे एक सुर में ग में गया हूँ, फिर नीचे मैं नी में गया हूँ। इस तरह से मैंने तीनों स्वरों का जो चलन जो है वो चलाया है। और ये ऐसा नहीं हुआ कि मैं डायरेक्ट ही डायरेक्ट नहीं चला गया। अब इसको भी आप समझिए, क्लासिकल का जब आलाप होता है तो धीमे धीमे खोला जाता है, क्योंकि वहाँ आप राग को खोल रहे हैं पूरा। लाइट में ये चीज़ नहीं होती है। लाइट गायकी जब आप करते हैं या लाइट म्यूजिक या सुगम गीत करते हैं, सुगम गायन करते हैं, तब वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ आप जल्दी से भी आलाप ले सकते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ टाइम सीमा बड़ी कम होती है। लाइट में गाना ही कितना, आपको 3 से 4 मिनट की गज़ल, 5 मिनट की, 10 मिनट की गज़ल अगर आप गा रहे हैं, तो भी आप छोटा सा आलाप लेकर, अगर वो गज़ल राग पर आधारित है तो आप उसका आलाप लेकर उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्लासिकल में अलग होती है। क्लासिकल में डिटेल्ड आपको, जैसे कि मैंने भी बताया, एक सुर खोला गया, दो सुर खोले गए। अब यही आप देखिए, ह्यूमन नेचर से मैं कंपेयर करके जो आपको बता रहा था, एनालॉजी जो दे रहा था, जब दो लोग नए नए मिले हैं, अभी नए नए, अभी मैं अनजान है वो व्यक्ति मेरे लिए, तो मैं धीमे धीमे उससे जो है अपने विचार शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं कि पहली ही मुलाकात में हम एकदम डिटेल और प्राइवेट बातें डिस्कस करने लगते हैं, अपने इनर फीलिंग्स जो है वो बता देते हैं उसको, ऐसा नहीं होता है। हम धीमे धीमे उससे एक एक टॉपिक छेड़ते हैं, है ना, हम बात करेंगे, हमारे इंटरेस्ट मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम उसके बारे में जिक्र करेंगे, तो वो धीमे धीमे जैसे होता है। फिर हम कोई भी नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक बार चेक करेंगे, पहले ऐसे नहीं कि एकदम से वो टॉपिक नहीं, पहले धीमे धीमे उसकी भूमिका बांधेंगे, है ना, फिर उसको करके देखेंगे, फिर हमको मालूम चलता है
नहीं यार, ये जो ट्यूनिंग है बैठेगी नहीं, ये वाला जो कॉन्वर्जेशन टॉपिक है ये इसके साथ नहीं हो सकता है। आपके कई दोस्त होते हैं, जैसे 4 से 5 दोस्त हैं, ऐसा नहीं है कि हर दोस्त के साथ आपकी वही ट्यूनिंग है, ऐसा नहीं होता। कुछ बातें आप एक के साथ अलग कर सकते हैं तो दूसरे के साथ अलग कर सकते हैं, जो दूसरे के साथ कर सकते हैं वो पहले के साथ नहीं कर सकते। उसी तरह से राग में भी होता है कि वो संगति जो है, रे म की जो संगति है, वो अगर इस राग में लग सकती है लेकिन उस राग में नहीं लग सकती, है ना। तो ये वही बात है कि रे म वाली बात इधर तो हो सकती पर इधर नहीं हो सकती, है ना। और जब भी आप कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो पुरानी किसी बात का रेफरेंस देकर आप वो नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे क्या मालूम चलता है कि हम ब्लेंड कर रहे हैं एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में ब्लेंड कर रहे हैं, है ना। तो हम चेक कर रहे हैं कि ये चीज़ जंचेगी या नहीं, जमेगी या नहीं। यही चीज़ राग में भी होती है। जब अगला सुर लगाना होता है तो पिछले सुर की सहायता ली जाती है। अब जैसे मैं यमन का थोड़ा सा विस्तार कर रहा था, नी रे ग ग रे नि ध नि रे ग रे ग नि रे ग रे नि ध ध नि रे ग ध ग रे नि ध। तो आप देख रहे हैं इन्हीं 4 सुरों में ग रे नि ध, इसमें मैं बार बार घूम रहा हूँ, इधर से उधर हो रहा हूँ, और ध को कभी ग से लगा रहा हूँ, कभी नी को ग से लगा रहा हूँ, रे को ध से लगा रहा हूँ, नी को ग से लगा रहा हूँ। यानी मैं अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग मिक्स करके देख रहा हूँ कि कौन सा वाला किसके साथ जंचेगा, ये वाली बात इसके साथ हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब जैसे कि मैंने बोला कि नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी नया सुर हम राग में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही हम ध नि रे ग रे नि ध सा म ग डायरेक्ट नहीं लगा रहे हैं, है ना। हम धीरे धीरे विस्तार कर रहे हैं तो पिछले स्वरों का रेफरेंस देके, जैसा कि अभी मैंने बताया कि पिछले टॉपिक का एग्जांपल देके, रेफरेंस देके हम वो अगली बात का जिक्र करते हैं। कैसे, नी ध नी रे ग रे ग ग म ग रे, हल्का सा लगाया पहले, यानी उस वाली नए टॉपिक का हल्का सा जिक्र किया, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट शुरू कर दिया टॉपिक, हल्का सा जिक्र करके देखो कि यार कैसा उसका रिस्पांस कैसा सामने वाले का। तो यही चीज है, नी रे ग म ग रे म ग नी ग रे नी ध नी रे ग नी म ग। पिछले टॉपिक के साथ उसका नए को लिंक कर रहा हूँ, यानी अभी मैंने ग के साथ म लिंक किया था, अभी मैं नी के साथ म लिंक कर रहा हूँ, कभी ध के साथ म लिंक कर रहा हूँ, यानी अलग अलग स्वरों के साथ उस नए वाले सुर को जोड़ के देखिए और फिर देखिए कि क्या वो जंच रहा है, क्या वो कनसुरा तो नहीं लग रहा, यानी कानों को सुनने में बेसुरा अगर लग रहा है तो वो संगति यहाँ नहीं आएगी, वो स्वर संवाद जो है यहाँ नहीं बैठ सकता। यानी जैसे सा म ग, ये यमन में नहीं जाएगा, नी रे ग म ग रे म ग ये चलेगा, नी ध नी रे ग नी म ये भी चलेगा, लेकिन साम नहीं चलेगा। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको गाते गाते उनके साथ लगाते लगाते मालूम चलती है। जब एक जो फ्रैंकनेस हम धीरे धीरे डेवलप करते हैं किसी भी नए शख्स के साथ, उसी तरह से एक नए सुर को लगाते समय, रागदारी में विस्तार करते समय फ्रैंकनेस जो है धीरे धीरे डेवलप होती है। उसके बाद तो एक बार राग खुल गई तो फिर तो आप कोई सा भी सुर किधर भी लगा सकते हैं, आप बढ़त में कभी जल्दी भी कर सकते हैं, कभी धीमा भी कर सकते हैं। रे तरे ना ना रे ना ना। अब विस्तार करते समय ये भी ख्याल रखना है कौन से सुर पे रुकना है और कहाँ नहीं रुकना है। यानी वही बात, किसी नए व्यक्ति से अब आप जुड़े हैं तो कौन सी बात को खींचना है, यानी आपको मालूम है कि यार इस व्यक्ति से मैं ना अपने इमोशंस की बात करने जाऊंगा तो ज़्यादा देर करूंगा तो बोर हो जाएगा, तो इससे नहीं कर सकते, वो मेरे इस वाले दोस्त के साथ कर सकता हूं मैं, इससे मुझे थोड़ा टाइम पास करना पड़ेगा, उसके बाद वो जो मुझे एक्चुअली में फील हो रहा है वैसी बात, यानी एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, है ना। तो यही चीज़ आपको यहां भी करनी होती है, कौन से सुर पे रुकना है, यानी किसको खींचना है, कौन सी बात को लंबा चलाना है। रे रे ना, यमन में आप ग को जो है खींच सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, तब जाके उसका चलन खेलेगा, लेकिन यही आप रे पे नहीं रुक सकते। ज़्यादा टिकाव नहीं दे सकते, या फिर परे, ये संगति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी उस टॉपिक से इस टॉपिक पे नहीं कूद सकते। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, ये एक एनालॉजी है जो मैंने बनाई राग के विस्तार की और एक रिलेशनशिप के विस्तार की, है ना। ये जो रिलेशनशिप है, ये स्वरों का भी तो रिलेशनशिप है ना, एक स्वर का दूसरे स्वर से एक रिश्ता है, रे रे मा, तो यहाँ एक रिश्ता बन रहा है, लेकिन सा मा, यहाँ वो संवाद नहीं बन रहा है, यहाँ वो रिश्ता नहीं बन रहा है, यहाँ वो जो मेलोडी है वो बाहर निकल के नहीं आ रही है, वो जो ट्यूनिंग है वो नहीं बैठ रही है, जिसको हम कहते हैं ना कि किसी भी इंसान का तालमेल अच्छा नहीं है। तो तालमेल, मैंने पहले भी बताया कि तालमेल एक संगीत का शब्द है, ताल यानी हमारी जो मात्राएं चलती हैं उनका एक खंड है, वो एक ताल होती है, और मेल यानी हमारा थाट होता है, यानी सुर और ताल जब किसी के नहीं मिलते हैं तो वो क्यों वहाँ पे मेटाफर बनाया गया, क्यों वहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, एक मुहावरा क्यों बन गया, क्योंकि सुरों के साथ भी यही चीज़ होती है कि उनका आपसी जो है रिश्ता बनना चाहिए। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, एक छोटी सी एनालॉजी है कि राग के विस्तार में स्वर संवाद की क्या इंपॉर्टेंस है और उसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो देखते रहें।
इसी तरह संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल को कुछ ना कुछ मैं नया लाता रहूंगा। एंड मेरा यार तू को जरूर सुनिएगा, मास्टर निषाद प्रोडक्शंस पर आ रहा है एंड मेरी सिस्टर का गाया हुआ गाना है एंड हमारा खुद का प्रोडक्शन है, जरूर सुनिएगा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।